जे माता दी, राधे राधे। आइए जानते हैं दिवाली कब है, संपूर्ण पूजन विधि एवं महत्व। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन पड़ती है। आइए जानते हैं इसकी संपूर्ण पूजन विधि। माता लक्ष्मी के पूजन की सामग्री अपने सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए। इसमें लक्ष्मी जी को कुछ वस्तुएं विशेष प्रिय हैं, उनका उपयोग करने से वे शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इनका उपयोग अवश्य करना चाहिए। वस्त्र में इनका प्रिय वस्त्र लाल गुलाबी या पीले रंग का रेशमी वस्त्र है। माता जी को पुष्प में कमल व गुलाब प्रिय हैं। फल में श्रीफल, सीताफल, बेर, अनार व सिंघाड़े प्रिय हैं। सुगंध में केवड़ा, गुलाब, चंदन के इत्र का प्रयोग करें, इनकी पूजा में अवश्य करें। अनाज में चावल तथा मिठाई में घर में बनी शुद्धतापूर्ण केसर की मिठाई या हलवा, सिरा का नैवेद्य उपयुक्त है। प्रकाश के लिए गाय का घी, मूंगफली या तिली का तेल इनको शीघ्र प्रसन्न करता है। अन्य सामग्री में गन्ना, कमलगट्टा, खड़ी हल्दी, बिलोपत्र, पंचामृत, गंगाजल, ऊन का आसन, रत्नाभूषण, गाय का गोबर, सिंदूर, भोजपत्र का पूजन में उपयोग करना चाहिए। तैयारी। चौकी पर लक्ष्मी व गणेश की मूर्तियां इस प्रकार रखें कि उनका मुख पूर्व या पश्चिम में रहे। लक्ष्मी जी गणेश जी की दाहिनी ओर रहें। पूजनकर्ता मूर्तियों के सामने की तरफ बैठे। कलश को लक्ष्मी जी के पास चावलों पर रखें। नारियल को लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेटें कि नारियल का अग्रभाग दिखाई देता रहे व इसे कलश पर रखें। यह कलश वरुण का प्रतीक है। दो बड़े दीपक रखें, एक में घी भरे व दूसरे में तेल। एक दीपक चौकी के दाईं ओर रखें व दूसरा मूर्तियों के चरणों में। इसके अतिरिक्त एक दीपक गणेश जी के पास रखें। मूर्तियों वाली चौकी के सामने छोटी चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। कलश की ओर एक मुट्ठी चावल से लाल वस्त्र पर नवग्रह का प्रतीक नौ ढेरियां बनाएं। गणेश जी की ओर चावल की 16 ढेरियां बनाएं। ये 16 मार्तिका का प्रतीक है। नवग्रह व 16 मार्तिका के बीच स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बीच में सुपारी रखें व चारों कोनों पर चावल की ढेरी, सबसे ऊपर बीचों बीच ओम लिखें। छोटी चौकी के सामने 3 थाली व जल भरकर कलश रखें। थालियों की निम्नानुसार व्यवस्था करें। 11 दीपक, खील बतासे, मिठाई वस्त्र, आभूषण, चंदन का लेप, सिंदूर, कुमकुम, सुपारी, पान, फूल, दुर्वा, चावल, लौंग, इलायची, केसर, कपूर, हल्दी, चूने का लेप, सुगंधित पदार्थ, धूप, अगरबत्ती, एक दीपक। इन थालियों के सामने यजमान बैठें। आपके परिवार के सदस्य आपकी बाईं ओर बैठें। कोई आगंतुक हो तो वह आपके या आपके परिवार के सदस्यों के पीछे बैठे। चौकी, लक्ष्मी, गणेश, मिट्टी के 2 बड़े दीपक, कलश जिस पर नारियल रखें, वरुण, नवग्रह, 16 मातिकाएँ, कोई प्रतीक, बही खाता, कलम और दवात, नकदी की संदूकची, थालियाँ, जल का पात्र, यजमान, पुजारी, परिवार के सदस्य, आगंतुक। पूजा की संक्षिप्त विधि। आप हाथ में पूजा के जल पात्र से थोड़ा सा जल ले लें और अब उसे मूर्तियों के ऊपर छिड़कें। साथ में मंत्र पढ़ें। इस मंत्र और पानी को छिड़क कर आप अपने आप को पूजा की सामग्री की ओर, अपने आसन को भी पवित्र कर लें। पुष्प, चम्मच या अंजलि से एक बूंद पानी अपने मुंह में छोड़िए और बोलिए ओम केशवाय नमः और फिर
एक बूंद पानी अपने मुंह में छोड़िए और बोलिए ओम नारायणाय नमः। फिर एक तीसरी बूंद पानी की मुंह में छोड़िए और बोलिए ओम वासुदेवाय नमः। फिर ओम ऋषिकेशाय नमः कहते हुए हाथों को खोलें और अंगूठे के मूल से होठों को पोंछकर हाथों को धो लें। पुनः तिलक लगाने के बाद प्राणायाम व अंगन्यास आदि करें। आचमन करने से विद्या तत्व, आत्म तत्व और बुद्धि तत्व का शोधन हो जाता है तथा तिलक व अंगन्यास से मनुष्य पूजा के लिए पवित्र हो जाता है। आचमन आदि के बाद आंखें बंद करके मन को स्थिर कीजिए और 3 बार गहरी सांस लीजिए यानी प्राणायाम कीजिए, क्योंकि भगवान के साकार रूप का ध्यान करने के लिए यह आवश्यक है। फिर पूजा के प्रारंभ में स्वास्ति वाचन किया जाता है। उसके लिए हाथ में पुष्प, अक्षत और थोड़ा जल लेकर स्वतीन इंद्र वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए परमपिता परमात्मा को प्रणाम किया जाता है। फिर पूजा का संकल्प किया जाता है। संकल्प हर एक पूजा में प्रधान होता है। संकल्प आप हाथ में अक्षत लें, पुष्प और जल ले लीजिए, कुछ द्रव्य भी ले लीजिए। द्रव्य का अर्थ है कुछ धन। ये सब हाथ में लेकर संकल्प मंत्र को बोलते हुए संकल्प कीजिए कि मैं अमुक व्यक्ति अमुक स्थान व समय पर अमुक देवी देवता की पूजा करने जा रहा हूँ, जिससे मुझे शास्त्रोक्त फल प्राप्त हो। सबसे पहले गणेश जी व गौरी का पूजन कीजिए, उसके बाद वरुण की पूजा यानी कलश पूजन करना चाहिए। हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए और आवाहन व पूजन मंत्र बोलिए और पूजा सामग्री चढ़ाएं। फिर नवग्रहों का पूजन कीजिए, हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए और नवग्रह स्तोत्र बोलिए। इसके बाद भगवती षोड़श मातृकाओं का पूजन किया जाता है। हाथ में गंध अक्षत ले लीजिए, 16 माताओं को नमस्कार कर लीजिए और सामग्री चढ़ा दीजिए। 16 माताओं की पूजा के बाद रक्षाबंधन होता है। रक्षाबंधन विधि में मौली लेकर भगवान गणपति पर चढ़ाएं और फिर अपने हाथ में बधवा लीजिए और तिलक लगा लीजिए। अब आनंद चित से निर्भय होकर महालक्ष्मी की पूजा प्रारंभ कीजिए। दिवाली 31 अक्टूबर गुरुवार कार्तिक कृष्ण अमावस्या को पड़ रही है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के लिए अमावस्या की रात होना जरूरी होता है, लेकिन 1 नवंबर को अमावस्या तिथि प्रदोष काल और निशिता काल से पहले समाप्त हो रही है, जबकि 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि प्रदोष काल से लेकर निशिता काल तक व्याप्त रहेगी। ऐसे में तिथियों और पंचांग के अनुसार इस बार 31 अक्टूबर की रात को लक्ष्मी पूजन करना अधिक शुभदायक माना जाएगा।